जांजगीर चांपा जिले के डबरा में अज्ञात ट्रैक्टरों ने 12वीं के छात्र को कुचल दिया, जिससे छात्र दिलेश्वर साहू की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक छात्र नवापारा घोघरी का रहने वाला था, जो बाइक से स्कूल जा रहा था। बता दें कि घटना के बाद आरोपी ड्राइवर ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं घटनास्थल में आक्रोशित परिजन और स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने नारेबाजी करते हुए शराब दुकान हटाने की मांग करने लगे और चक्का जाम कर दिया। सूचना के बाद मौके पर एसडीएम, एसडीओपी और टीआई पहुंचे। परिजनों से अधिकारियों ने चर्चा की और 10,000 तत्काल में आर्थिक मदद दी गई। इस दौरान 2 घंटे तक मुख्य मार्ग जाम रहा और लोगों और वाहनों की कतार लग गई थी। मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। जो कि 12 बजे घर से निकला था कॉलेज हाई स्कूल के लिए, और कॉलेज मोड़ के पास में दुर्घटना हो गया। पीछे से ट्रैक्टर ने मार दिया उसको और मौके पर ही मौत हो गई। वो अपने कॉलेज जा रहा था डबरा, उसके बाद पीछे से जो है ट्रैक्टर वाले ने मार दिया। उसको ये पता नहीं है कि कौन ट्रैक्टर वाला है और कहाँ की ट्रैक्टर वाली है, और घटना पर उसका मौत हो गया। ऐसे कार्रवाई अभी तक पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं, अभी तक पुलिस वाले इसकी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या मतलब उसको क्या करना चाह रहे हैं पुलिस वाले समझे, हम लोग नहीं समझ रहे हैं। हम लोग पब्लिक हैं सर। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं उसका निर्णय चाह रहे हैं, बस निर्णय चाह रहे हैं उसका। क्या निर्णय करेंगे, पुलिस वाले समझे या वो ट्रैक्टर वाला समझे, हमको यही मतलब नहीं है। ये दुर्घटना की सूचना मिली तो हम लोग वहाँ पहुँचे थे, एसडीएम सर भी आए थे, कॉलेज के मोड़ के थोड़ा सा आगे है वो। तो उसमें एक छात्र है वो, जिसमें कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा बताया गया कि वो कॉलेज का छात्र नहीं है, और वहाँ पर जो वहाँ परिजन लोग थे उनके द्वारा ये बताया गया है कि किसी ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ है। वो जो मृतक है दुर्घटना में जिसकी मृत्यु हो गई, उसके साथ उसके एक साथी और था, उसके अनुसार एक ट्रैक्टर के द्वारा दुर्घटना कारित की गई है। तो उनकी सूचना पर इस तरह का एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है, उसका अनुसंधान किया जा रहा है। और चक्का जाम की स्थिति, वो कॉलेज के विद्यार्थियों को भ्रांति हो गई थी, जिसका बाद में प्रिंसिपल सर वहाँ आके निराकरण किए, तो कॉलेज के विद्यार्थी वहाँ से चले गए थे। फिर कुछ असामाजिक तत्व आके बाहर के जो हैं वो चक्का जाम की स्थिति निर्मित किए थे और उनको समझा कर करीब वहाँ से हटाया गया। सर वहाँ पर 10 साल शराब दुकान बंद करने की मांग भी कर रहे थे छात्रों के द्वारा। सर शराब दुकान की मांग करने वाले वही लोग थे कि उस सड़क के किनारे में एक शराब की दुकान है, उसको हटाने के लिए वहाँ वो आक्रोशित जो मॉब थी उनके द्वारा ये कहा जा रहा था। और ये हटाए जाने के संबंध में उसका निराकरण एसडीएम साहब करेंगे और प्रस्ताव डाल सकते हैं, और कलेक्टर साहब उसका निराकरण करेंगे।